दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद है गाइस आप सब बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। माय नेम इज सृष्टि एंड यू आर वाचिंग सृष्टि। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि किस तरीके से आपको आई मेकअप क्रिएट करना है। एंड आई मेकअप में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं कि नहीं, मुझे बताना ज़रूर। होती हैं, आई नो, जो बहुत बिगिनर्स हैं उनको प्रॉब्लम आती है। आज मैं आपके साथ इस वीडियो में बेसिक नॉलेज शेयर करने वाली हूँ आई मेकअप की, किस तरीके से आपको आई मेकअप करना है। सो बहुत मज़ा आने वाला है इस वीडियो में। सो वीडियो को एंड तक देखना। सो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहले गाइज आपको मैं बता दूं, आई मेकअप करने से पहले हमें आईज के जो एरियाज हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। आईज पर हमारे बहुत सारे पार्ट्स होते हैं जिनके बारे में मैं आपको डिटेल नॉलेज देने वाली हूं। एंड देन हम आई शेडो लगाना सीखेंगे। फर्स्ट गाइज, जब हम बंद करते हैं अपनी आंखें तो आप देखते हो कि आपके आईज पर, एंड मैं आपको पेन से ड्रॉ करके दिखाने वाली हूँ, आपके लिए ईजी बनाने वाली हूँ। जब हम आंखों को खोलते हैं तो आप एक देखते हो लाइन क्रिएट होती है। जब मैं पूरी आंखें खोल रही हूँ तो आप देख रहे हो ये एक लाइन क्रिएट हो रही है। इस लाइन को, मेरी जो जहाँ पे लाइन क्रिएट हो रही है, मेरी हुडेड आईज हैं, और जिनकी हुडेड आईज हैं उनको अपने आप से रिक्रिएट, इमेजिनेशन रिक्रिएट करनी पड़ती है। अपनी हुडेड जैसे मेरी इतनी है तो मैं अपने इमेजिन से ही इतनी लेके चलूंगी। इससे नीचे वाला पार्ट, ये होता है लिड, इसे हम कहते हैं आई लिड। इस पूरे एरिया को हम कहते हैं आई लिड, आप देख रहे होगे। एंड इसके भी तीन पार्ट होते हैं, तो मैं इसको तीन पार्ट में डिवाइड कर लेती हूँ। एंड गाइज आप देख सकते हैं मैंने इसे तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया है। इसे हम कहते हैं आई लिड। इस वाले पार्ट को जो अंदर की तरफ होता है उसे हम कहते हैं इनर कॉर्नर्स, एंड जो बाहर की तरफ होता है उसे हम कहते हैं आउटर कॉर्नर्स। इतना आपको समझ आ गया होगा। जहां हम लाइनर अप्लाई करते हैं उस एरिया को हम कहते हैं अपर लैश लाइन। एंड जो जहां पे हम काजल लगाते हैं, काजल से नीचे शेडो ब्लेंड करते हैं जहां पर, हम उसे कहते हैं लोअर लैश लाइन। आई होप आपको ये बात समझ आई होगी। एंड नेक्स्ट, जो हमारी लिड से ऊपर वाला एरिया होता है, ये जितना भी एरिया आपको दिख रहा है पे हमारी क्रीज लाइन होती है, ये क्रीज होती है हमारी। एंड और जो ब्राउज के पास वाला, यहाँ से हाफ ब्राउज का ये वाला पार्ट जो होता है हमारा, ये हम, इसको हम कहते हैं हाइलाइटिंग एरिया। यहाँ पे हम हाइलाइटर लगाते हैं। कभी आपने देखा है कि हाइलाइटर यहाँ से लगाए? नहीं, हम हमेशा हाइलाइटर जो है आधे एरिया में लगाते हैं ब्राउज के। गाइज आपने ये वाला एरिया भी सुना होगा, ये जो हमारी आईज के इनर कॉर्नर्स होते हैं उसमें भी एक ये वाला पार्ट होता है जिसे हम कहते हैं टियर डक्ट। यहाँ पे हम हाइलाइटर लगाते हैं। जो आउटर कॉर्नर्स होते हैं हमारी लिड का, जो आउटर कॉर्नर्स होते हैं उस पर हम डार्क कलर लगाते हैं हमेशा, और जो सेंटर लिड होती है और इनर लिड होती है उस पर हम लाइटर शेड अप्लाई करते हैं। उससे हमारी आईज को डेप्थ मिलती है, आंखें बड़ी दिखती हैं। क्रीज लाइन हमारी ये होती है, ये वाला पार्ट जो होता है हमारा क्रीज लाइन का होता है। क्रीज लाइन जो होती है आंखों को बड़ी दिखाने में हेल्प करती है, तो ये होती है हमारी क्रीज लाइन। यही थ्योरी होती है, और आई होप आपको समझ आया होगा जो जो मैंने आपको समझाया है, समझाना चाहा है। होप सो आपको समझ आया होगा। एंड नेक्स्ट मैं अब आपको प्रैक्टिकली करके दिखाने वाली हूँ कि यही जो एरिया है आपको अगर याद हो जाते हैं तो आई शेडो लगाना आपके लिए बहुत ईजी होगा। आप इन चीज़ों को समझ लेंगे तो बहुत ईजी वे में आप आई शेडो को अप्लाई कर सकते हैं। तो अब मैं प्रैक्टिकली आपको करके दिखाती हूँ कि किस तरीके से आपको आई शेडो लगाना है, देखते हैं कैसा होता है। एंड वीडियो को एंड तक देखना। वॉश करके मैं आती हूँ एंड देन हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं। मेकअप स्टार्ट करने से पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप अगर लेंस वेयर करना चाहते हैं तो वो फर्स्ट आपको वेयर करने हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को आंसू आने लग जाते हैं, आंखों में जलन होने लग जाती है, और ये मेरे साथ भी होता है। इसलिए मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ कि सबसे पहले आप अपने लेंस को वेयर कर लें एंड देन आप आई मेकअप पे जाएं। एंड जो फर्स्ट स्टेप होता है हमारे मेकअप का, फर्स्ट हम आई मेकअप ही करते हैं, उसके बाद आप अपने फेस पर जाएं। तो फर्स्ट आपको आई मेकअप करना होता है, क्योंकि जितना भी फॉल आउट होता है आई शेडो वो क्लीन हो जाता है।
सो मैं आपको फर्स्ट बोलूंगी कि आप अपने आई मेकअप से स्टार्ट करें मेकअप को। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ब्रॉस से। तो ब्रॉस के लिए आपको इस टाइप का ब्रश की जरूरत पड़ती है, इसको हम एंगल चीजल ब्रश कहते हैं। विद स्पूली ये आता है और ये आपकी ब्रॉस के लिए बहुत अच्छा ब्रश है। एंड इस टाइप का ये होता है, एक साइड पे एंगल ब्रश होता है एंड दूसरी साइड पे ये स्पूली होती है। इससे हम अपनी आईब्रोज को फिल अप करेंगे एंड उनको शेप करेंगे। आईब्रोज डिफाइन करने के लिए मैं ब्राउन शेड यूज कर रही हूँ आई शेडो का, ब्लैक नहीं कर रही हूँ क्योंकि वो बिल्कुल शिनचैन वाली आंखें लगेंगी मेरी। तो मैं आईब्रोज से स्टार्ट करूंगी। जिनको भी आईब्रोज डिफाइनिंग में प्रॉब्लम हो रही है वो मेरी ये वाली वीडियो जाके वॉच आउट कर लें, उससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। इस वीडियो में मैंने बताया है कि किस तरीके से आपको अपनी आईब्रोज को फिल आउट करना है, तो जाके जरूर वॉच आउट कर लीजिएगा, आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने आईब्रोज को डिफाइन कर लिया है एंड उसके बाद हमें जरूरत होती है एक कंसीलर की। कंसीलर के लिए मैं यहाँ पे स्विस ब्यूटी का लिक्विड कंसीलर यूज कर रही हूँ। कंसीलर हम इसलिए यूज करते हैं जो भी हम शेड अप्लाई करें वो पॉप अप होकर आपको दिखे। लाइट ब्यूटी ब्लेंडर से इसको अच्छे से ब्लेंड कर लूंगी। कंसीलर को बेक करने के लिए मैं बेज कलर यूज करूंगी एंड कंसीलर ब्लेंडिंग ब्रश से मैं इसको लूंगी एंड इसको अच्छे से बेक कर लूंगी। बेक हम इसलिए करते हैं ताकि कोई क्रीज लाइन ना क्रिएट हो। एंड अगर आप नहीं करना चाहते तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, क्योंकि जो आई शेडो कलर्स होते हैं वो भी पाउडर्ड फॉर्म में होते हैं तो वो भी बेकिंग का ही काम करते हैं एक तरीके से। गाइस मेरे बहुत ज़्यादा स्वेट हो रहा है बिकॉज मैं यहाँ पे फैन ऑन करके नहीं बैठी हूँ और यहाँ पे एसी नहीं है। तो आप देख सकते हैं कितने अच्छे से मैंने इसको बेक कर लिया है। उसके बाद आप स्टार्ट कर सकते हैं आई मेकअप। वाला जो एरिया होता है हमारा वो आउटर कॉर्नर होता है, हम इससे ही स्टार्ट करते हैं। तीन ब्रश आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके पास होने ही चाहिए एंड वो तीन ब्रश ये हैं। एंड मैं आपको बता देती हूँ इनमें से ये वाला जो है ये लार्ज ब्लेंडिंग ब्रश है, आप देख सकते हैं इसका आप साइज देख सकते हैं किस तरीके से ये कितना फ्लफी है। एंड उसके बाद मैं मीडियम, ये वाला मैंने मीडियम में लिया है एंड स्मॉल में मैंने ये वाला ब्रश लिया है। एंड ये तीन ब्रश हैं बहुत जो आपको मेनली आपके पास होने चाहिए। वैसे तो आई शेडो के बहुत सारे ब्रशेज होते हैं गाइज एंड आप देख सकते हो मेरे पास बहुत सारे ब्रशेज हैं। और देखो जितने ब्रश हैं ज़रूरी नहीं है कि आपके पास हर तरीके का ब्रश होना चाहिए, मैं आपको बता रही हूँ बेसिकली आपके पास ये तीन ब्रश होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। सो फर्स्ट आपको क्रीज पे काम करना होता है, ट्रांजिशन शेड लगाना होता है जो कि क्रीज पे लगता है, क्रीज लाइन होती है ये वाली। इस एरिए में आपको लगाना होता है अपना फर्स्ट कलर और उसके लिए आपको लाइटर शेड लेना है। और उसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ये वाला शेड लेके मैं ऑल ओवर अपनी क्रीज पर लगाऊंगी। एंड आपको प्रोडक्ट बहुत ही कम से स्टार्ट करना है बिकॉज ज़्यादा प्रोडक्ट अगर लग जाता है तो आप उसको कम नहीं कर सकते हो, इसलिए आप कम से स्टार्ट करें। एंड आप देख सकते हैं मेरी जो क्रीज लाइन है वो बहुत कम बनती है, बट मैंने आपको बताया था कि इमेजिन करके आपको थोड़ा सा ऊपर लेके चलना पड़ता है। सो मैं अपने जो ये वाला शेड है मैं यहाँ स्टार्ट करूँगी, मैं यहाँ से लगाना स्टार्ट करूँगी। और मैं आप देख सकते हैं मैंने कहाँ से ब्रश को पकड़ा हुआ है, अगर आप ज़्यादा आगे से पकड़ते हैं तो वो लाइन क्रिएट हो जाती है, पीछे से पकड़ते हैं तो बिल्कुल भी लाइन क्रिएट नहीं होती है, क्योंकि हमारा ये जो है बहुत सॉफ्ट लुक आता है, जो ब्रश है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्टली चलता है। सो मैं यहीं से पकड़ के इसको सर्कुलर मोशन में अप्लाई करूँगी कलर को एंड बहुत लाइट हैंड से आपको इसे लगाना है। एंड आपको इनर कॉर्नर्स पे डार्क कलर बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करना है, आप पहले यही वाला कलर हम यूज करेंगे।
आई शेडो लगाने में अगर आपकी ब्लेंडिंग बहुत अच्छी होती है तो आपका आई मेकअप बहुत अच्छा लगता है। तो इसलिए आप इस बात का ध्यान रखें कि आपको अपना ब्लेंडिंग पे ज़्यादा फोकस करना है, आपकी ब्लेंडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। सो मैं अच्छे से ब्लेंड करूँगी। आपको सॉफ्ट हैंड से ब्रश का यूज़ करना है। और अगर आपको दिखे, जैसे मैंने जब ब्रश लगाए, जब मैंने ये वाला कलर अप्लाई किया है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक लाइन क्रिएट हो गई है अलग से ही। सो अगर आपको लगता है कि प्रोडक्ट की एक लाइन सी हार्श लाइन दिख रही है, तो आपको पूरा ब्रश को अच्छे से क्लीन करना है और अच्छे से सॉफ्ट हैंड से आप इसे ब्रश को ब्लेंड कर दें। जितना भी प्रोडक्ट होगा वो अच्छे से स्मज आउट हो जाएगा। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से ब्लेंड हुआ है शेड। उसको डेप्थ देने के लिए मैं एक शेड डार्कर यूज करूंगी। मैंने ये वाला शेड यूज करा था, इससे डार्क ये वाला शेड है, मीडियम ब्रश से यूज करूंगी। एंड इससे ये छोटा, इसका आप देख सकते हो ये कितना फ्लैट सा दिखता है ऊपर से, एंड देख सकते हो आप ये बिल्कुल फ्लैट सा दिखता है ऊपर से। ये प्रोडक्ट फैलेगा नहीं, जहां मैं चाहूंगी वहीं पे ये लग जाएगा। सो जो क्रीज लाइन पे मैं लगाने वाली हूँ डेप्थ देने के लिए, जो कलर लगाऊंगी, मैं आपको बताया था कि हम आउटर कॉर्नर डार्क रखते हैं। सो आप इस तरीके से डार्क पे लगाएं, यहाँ पे आप इस तरीके से सर्कुलर मोशन से लगा सकते हैं प्रोडक्ट आप। एंड आप देख सकते हैं मैंने ब्रश कहाँ से पकड़ा हुआ है। इस तरीके से आप देंगे तो सॉफ्ट लुक आएगा बहुत ज़्यादा। प्रोडक्ट आपको पूरा यहीं पे लगा है, अब जो भी होगा, जो भी प्रोडक्ट होगा, आप इस तरीके से फैला सकते हैं उसे। उसे क्या है, अच्छा डेप्थ मिल जाएगी, प्रोडक्ट भी इतना ज़्यादा लगने वाला नहीं है आगे। सो इस तरीके से आप कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है क्रीज लाइन क्रिएट हो रही है अजीब सी, तो आप दूसरा, जिससे आपने ऊपर का ट्रांजिशन शेड लगाया था फर्स्ट ब्रश जो था, उससे आप स्मच कर सकते हैं अच्छे से। इस तरीके से स्मच करते हैं। आपका आई मेकअप बिल्कुल बेकार लगता है अगर हार्श लाइन दिखती हैं तो। आप अगर आप चाहते हो आपकी हार्श लाइन चली जाए, तो सिर्फ और सिर्फ वो आपकी ब्लेंडिंग पे डिपेंड करता है, आप कितनी अच्छी ब्लेंडिंग करते हैं। एंड आप देख सकते हैं बिल्कुल भी हार्श लाइन आपको नजर नहीं आ रही होगी। दो ब्रश यूज कर रही हूँ, आप देख सकते हो, एक ये लार्ज मैंने फ्लफी ब्रश लिया है, ये मीडियम साइज का है। मैंने सिर्फ ये दो ब्रश यूज करे हैं अभी, और लार्ज से मैं अच्छे से इसको स्मज आउट कर लूंगी ताकि प्रोडक्ट बिल्कुल भी फैला हुआ ना दिखे। इतना अपनी माइंड में रखो कि आपको यहाँ पे एक वी क्रिएट करना है, तो उससे भी बहुत हेल्प मिल जाएगी आपको। यही सेम चीज में इस वाली आईज में भी नहीं। इसके बाद आप आउटर कॉर्नर पे, मैंने बताया था आप लाइटर शेड यूज कर सकते हो, उसके लिए मैं यहाँ पे ये वाला शिमर यूज कर रही हूँ। एंड फिंगर की हेल्प से ही लगा लूंगी। एंड ये आपके आईबॉल एरिया पे और इनर कॉर्नर्स पे आप लगा सकते हो। आप देखेंगे कि डार्क एरिया और इसके बीच में एक हार्श लाइन क्रिएट हो गई है। उसके लिए आपको फर्स्ट ब्रश जो आपने लिया था वो लेना है, जो सेकंड आपने मीडियम ब्रश लिया था उससे डार्क शेड जो आपने लगाया है क्रीज लाइन पे वो लेंगे, जो आपने यहाँ पे अप्लाई किया है कलर उसको लेंगे और इससे अच्छे से ब्लेंड कर देंगे दोनों। एंड गाइज आप देख सकते हैं कितना अच्छा आई मेकअप क्रिएट हुआ है। ऐसे ही सेम मैं इस वाली आईज पे करके आती हूँ। गाइज आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है। उसके बाद बारी आती है लोअर लैश लाइन की, तो लोअर लैश लाइन के लिए मैं यूज कर रही हूँ ये वाला डार्कर शेड का पेंसिल ब्रश, आपको चाहिए होगा उसके लिए। एंड उससे मैं थोड़ा सा कलर लूंगी और अपने हाफ लैश लाइन पे लगा लूंगी। आई शेडो इज डन गाइज, उसके बाद आप आई लाइनर लगा सकते हैं। मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ स्टेक वर्की का आई लाइनर।
इज द फाइनल लुक गाइस, कैसा लग रहा है आप मुझे बताना जरूर कि ये आई मेकअप लुक आपको कैसा लग रहा है। ट्रिक्स आप यूज करके आई मेकअप कर सकते हो एंड आप देख सकते हो मैंने इसमें सिर्फ और सिर्फ 3 कलर यूज करके ये लुक क्रिएट किया है। अच्छा लग रहा है, मुझे भी बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है, मैं जरूर ट्राई करना और मुझे बताना जरूर कि आपने ट्राई किया है कि नहीं। आप कोई भी कलर लेके आप ट्राई कर सकते हो, ब्राउन, ऑरेंज, रेड, कोई भी, पिंक से भी स्टार्ट कर सकते हो, कलर्स होते हैं आप उसे स्टार्ट करें। कमेंट करके जरूर बताना, हो सके तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे टैग भी कर सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी अपने इंस्टाग्राम का, वहां जाके मुझे टैग कर सकते हो और करके दिखाना, मुझे बहुत ज्यादा खुशी मिलेगी अगर आप करोगे तो। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज मेक श्योर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय।